हे यार कम लुक एट दिस, पूरे पूरे विश्व के नेता मोदी जी बन गए, पूरे विश्व में पॉपुलर हैं, अपने देश के बन नहीं पाए विश्व के बन गए हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार इन अनभक्तों पर वीडियो लेकर आ गया हूँ। इन अनभक्तों का कहना है कि मोदी इस देश का बाप है, तभी इस भाई ने इन अनभक्तों की आवाज़ निकाली और उनको पूरा एक्सपोज करके रख दिया है। क्या एक्सपोज करा है, चलिए वीडियो में देखते हैं। अपने देश के नहीं बन पाए हैं, हम चीन हमारे देश पे कब्जा कर रहा है, लाला कब दिखाओगे, छप्पन इंच सीना कहाँ है? आपका छप्पन इंच सीना कहाँ है? चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, आपका छप्पन इंच सीना कहाँ है? आपने कहा डबल इंजन की सरकार, तीन इंजन की सरकार, एक बोले तीन, तीन इंजन, एक में मोदी जी बैठे, एक में अडानी बैठे, एक में अंबानी बैठे हैं। बात तो सही है, तीन इंजन की सरकार है। गरीब कहाँ है, जनता कहाँ है, युवा कहाँ है, बेरोजगार कहाँ है, महिला कहाँ है, पहलवान कहाँ है, बताइए, जवाब दीजिए। मजा आया, कोविड में इतना हजारों लोगों की संख्या हुई है, कोविड में कह रहे इतनी मौतें हो गई, आप कह रहे सही चल रहा है, बताइए भाई। कोविड में ठीक है, आप समझ लीजिए कि लोगों को राशन दिया गया, लोगों की समस्याओं का निदान किया गया, ठीक है, अच्छा के बाकी देखिए समस्या हर जगह थी, लेकिन पूरे विश्व में भारत ने दवाइयां बांटी हैं, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है कोविड में भी, पूरे विश्व में भारत की दवाइयां बांटी हैं। आपने शायद प्रधानमंत्री का बयान नहीं सुना, प्रधानमंत्री ने खुद राजस्थान सरकार की तारीफ की है कोविड में, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप प्रधानमंत्री का बयान सुन के सुन लीजिए, वो तो कह रहे हैं पूरे दुनिया में हमने दवाइयां बांटी, अपने देश में बांट नहीं पाए, बाहर बांट के क्या करेंगे। प्रधानमंत्री का तो हंसी तब बनी कि जब कोविड आया तो कहते हैं रात में 9 बजे टॉर्च जलाओ, शायद कोविड भाग जाएगा। कह रहे थे घंटी बजाओ कोविड भाग जाएगा। अरे घंटी बजाने से कोविड, अगर लाइट जलाने से कोविड भागता ना तो आपकी जरूरत ना पड़ती, सबके मोबाइल में फ्लैश लाइट है, सब जल जाती पहले ही। बात तो सही है, अफसोस से कहना पड़ रहा है, देश अब बचा नहीं, देश बिक चुका है, देश हमारा अडानी अंबानी के हाथों बिक चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट किसके हाथों में है बताइए, रेलवे किसके हाथों में है, LIC किसके हाथों में है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने कहा ना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को पकौड़े तले मजबूर कर दिया आपने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए जय हिंद।